हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, ये वीडियो आपकी संयुक्त राज्य संघ के ऊपर है। आपका यूपी टीईटी और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा और अन्य परीक्षाओं में संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर बहुत सारे प्रश्न किए जाते हैं, जैसे इसकी स्थापना कब किया गया, ठीक है, मुख्यालय से संबंधित अलग अलग प्रश्न जो है वो आते हैं, ठीक है। तो इसके विषय में मैंने बहुत गहराई से तो नहीं, जितना आपके लेवल का है, जो आपके सहायक अध्यापक और टीईटी के स्तर का है, उतना मैंने जो है लगभग में कवर कराया हुआ है, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर लीजिए। आपका यूपी टीईटी का पेपर दिसंबर में होना प्रस्तावित है और दिसंबर में आपका पेपर हो जाएगा, और उसके जस्ट बाद जो है देखिएगा 51,000 प्राथमिक सहायक अध्यापकों की भर्ती का ज़रूर से ज़रूर जो है वो नया विज्ञापन आएगा और आपकी भर्ती होगी चुनाव से पहले एक बार। तो आप लोग कमर कस लीजिए, तैयारी में लग जाइए। जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं उसको खूब अच्छे से पढ़िए, ठीक है। मैं 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित हूँ अमेठी डिस्ट्रिक्ट से, और उसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाने के लिए सोचा, ठीक है। तो जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो वैल्यूबल चीज़ें हैं, उसमें कोई इधर उधर की चीज़ें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ना आपका समय ही बर्बाद करूँगा। चलिए देर न करते हुए वीडियोस को शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, जैसा कि इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया, ठीक है। इसके पहले पूर्व सोवियत संघ था, उसका विखंडन हो गया और उसके बाद जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, ठीक है। वर्तमान में महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के, उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। क्या नाम है? एंटोनियो गुटेरेस। और ये कहाँ के निवासी हैं? ये हैं पुर्तगाल के निवासी, ये हैं पुर्तगाल के निवासी, ठीक है। अगला आ जाइए, संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण करने वाला व्यक्ति कौन था? संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण करने वाला व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति था, जिसका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्या नाम था? याद कर लीजिए, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस व्यक्ति ने किया, तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। चलिए आगे आ जाइए, आगे है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज के बारे में हम बात कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ध्वज है वो एक नीली पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड इसका नीला है, जैसे इसका बैकग्राउंड वाइट है वैसे, उसमें जैतून की शाखाएं ऊपर से खुली हुई, मतलब नीचे से बंद है और ऊपर से खुली हुई है, उसके बीच में पूरी क्या कहते हैं विश्व का मानचित्र उस पर बना हुआ है, ये इसका है। नीली पृष्ठभूमि पर ऊपर से खुली दो जैतून की शाखाएं हैं, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, उसके बीच में विश्व का मानचित्र लगा हुआ है। अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाओं के बारे में बात करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, तो उसमें भाषाएं हैं आपकी इंग्लिश, फ्रेंच यानी फ्रांसीसी जो लैंग्वेज है वो, चाइनीज, रशियन, स्पैनिश, और जो लास्ट में है वो है अरबिक, या अरबी भाषा भी वहाँ की भाषा है। लेकिन जो राइटिंग लैंग्वेज है, मतलब प्रयोग किए जाने वाली भाषा है, वो है आपकी इंग्लिश और फ्रेंच भाषा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, आगे है आपका आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हेग। कहाँ पर? हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड्स में, ठीक है, नीदरलैंड में। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जैसे आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपका उत्तर क्या होगा? द हेग,
ठीक है। इसके बाद देख लीजिए सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थाई सदस्य हैं, 10 अस्थाई सदस्य। 5 अस्थाई सदस्य वो हमेशा, जिसमें 5 अस्थाई सदस्यों में आप लोग इसको याद कर लीजिए कौन कौन से सदस्य हैं। 5 अस्थाई सदस्य में अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, उसके बाद रशिया है और फिर चाइना है। 5 अस्थाई सदस्य हैं, इन्हीं को वीटो का पावर प्राप्त है, वीटो का अधिकार जो है वो इन्हीं को प्राप्त है। और 10 अस्थाई सदस्य जो है वो हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं, फिर उनको हटा दिया जाता है, फिर दूसरे चुने जाते हैं। आपको आपको ये जानना चाहिए, यो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है कि भारत को इस बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य चुन लिया गया है और उसका कार्यकाल मैंने लिखा है यहाँ पर। पहली बात तो ये जान लीजिए कि इसको भारत को 8वीं बार पुनः चुना गया है और इसका कार्यकाल, भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से लेकर के 2 साल लेकर के 31 दिसंबर 2022 तक रहेगा। तो इस तरीके से भारत को इस बार अवसर प्राप्त हुआ है अस्थाई सदस्य बनने का 8वीं बार। आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस बन सकता है कि भारत को कौन से बार मौका मिला है ना, तो आप कहेंगे 8वीं बार। वर्तमान में अगर हम सदस्यों के बारे में बात करें तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश इसके सदस्य हैं। जो सबसे अंतिम बनने वाला देश है, 193 देश हैं, जो सबसे अंतिम सदस्य बना है उसका नाम है दक्षिणी सूडान। याद कर लीजिए दक्षिणी सूडान, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या जो है वो संख्या में 15 है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कुल 15 है। आगे आ जाइए, भारत की तरफ से जो जज हैं, जो न्यायाधीश हैं, उनका नाम भी पूछा जा सकता है। उनका नाम है दलवीर भंडारी। क्या नाम है? दलवीर भंडारी, याद कर लीजिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे आ जाइए, ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ संगठन के बारे में या उनके मुख्यालय के बारे में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे UNO, मैंने बताया संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क शहर में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क शहर में है, याद कर लीजिए। ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसको कहा जा रहा है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हेग, नीदरलैंड में है। आगे आ जाइए, यूनेस्को, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, यूनेस्को बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो श्रम संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। WHO का मुख्यालय भी कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ILO, WHO दोनों का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है IMF, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है Washington DC में, याद कर लीजिए। यूनिसेफ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था, इसका मुख्यालय कहाँ पर भी है? न्यूयॉर्क शहर में, जहाँ पर आपका UNO का मुख्यालय है। आगे आ जाइए, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय भी जिनेवा, आपका स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। आगे आ जाइए, देखिए कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं उनको भी कवर कर लेते हैं। जैसे राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल देश वो देश जहाँ पर कभी इससे पहले ब्रिटिश एम्पायर्स वहाँ पे थे, उनका शासन था, उन देशों को राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? राष्ट्रमंडल देशों का मुख्यालय लंदन में है, याद कर लीजिए।
आसियान देशों का मुख्यालय कहाँ पे है? आसियान देशों का मुख्यालय इंडोनेशिया जकार्ता। आगे आ जाइए, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? रेड क्रॉस का मुख्यालय भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो है आपका, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नेपाल काठमांडू में, ठीक है, नेपाल काठमांडू में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है, फिलीपींस मनीला में। इंटरपोल, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? लियोन फ्रांस में है, लियोन फ्रांस में है, याद कर लीजिए। खाद्य एवं कृषि संगठन जिसको कहा जाता है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस, इसका मुख्यालय जो है आपका इटली रोम, कहाँ पर है? रोम इटली में है। तो दोस्तों इस तरीके से ये मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में और जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, संगठन और उसके मुख्यालय जो थे, संस्थान और उसके मुख्यालय, वो मैंने आपके लिए कवर करा दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए। थैंक यू।